यह हिंदुस्तान है और ये मार्च का महीना खत्म होने को है। यहाँ होली बीत चुकी है और अब नवरात्र चल रही है। फिजाओं में तेज हवाएं चल रही हैं, आवाज साए साए कर रही। घर की महिलाएं पूजा की तैयारियों में जुटी हैं। दादी अम्मा अपने ही धुन में मशगूल हैं। दादा दिन भर पेपर पढ़ रहे तो पापा की न्यूज ही खत्म नहीं होती। भाई का यूं दिन भर पतंग उड़ाना, बहन का सादे पन्ने पर ड्राइंग बनाना, कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है ना ये घर जहां सब लोग एक साथ नजर आ रहे। मगर वहीं कहीं दूर किसी माँ का बेटा, कहीं दूर किसी की बेटी, कहीं दूर किसी का पति, कहीं दूर किसी का भाई फंस गया है। मगर घबराइए मत, वो सुरक्षित है, क्योंकि दिल्ली में बैठे सबसे बड़े साहब ने उनके लिए सब इंतजाम कर रखा है। कुछ ही दिनों की तो बात है, बस यूं ही हंसते खेलते निकल जाएंगे ये दिन। बच्चे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, सड़कों पर मोटर गाड़ी क्यों नहीं दौड़ती, मम्मी तुम हमें पार्क क्यों नहीं जाने देती, और पापा ऑफिस क्यों नहीं जा रहे। ऐसे तमाम सवाल हैं उन बच्चों के, मगर क्या बताऊं उन्हें कि क्या हो गया है मेरे मुल्क को। मोहल्ले की बूढ़ी दादी कहती हैं कि शायद इस वतन को किसी की नजर लग गई। वहीं पड़ोस वाले 80 साल के चचा क्या कह रहे हैं सुनना चाहेंगे तो सुनिए। किसी जुगाड़ू मुल्क चीन से एक अदृश्य दुश्मन घुसाया है अपने मुल्क में, तलाश है मगर मिल नहीं रहा। बताया जा रहा है कि नाम है कोरोना। वायरस है एक तरह का, लेकिन मेरे देशवासियों, हमें घबराना नहीं है। इस संकट की घड़ी में हम सब एक हैं, और कोई हमें हथियारों से जंग थोड़ी ना लड़नी है। बस एक छोटी सी तो जंग है, जिसे हराने के लिए सफेद कोट वाले, जिन्हें हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, वो दिन रात लगे हैं। वो दिन रात लगे हैं उस अदृश्य शक्ति को खोजने में, जिसने देश की मानवता को डरा कर रख दिया है। संकट तगड़ा है, इसलिए सरकार ने भी फैक्ट्री चलाने वाले मालिकों से अपील की है कि मजदूरों को छुट्टी पर भेज दें, मगर तनख्वाह मत काटिएगा। घर में कैद मुन्नी पड़ोस की गुनगुन से कहती है कि सुनो, जब कोरोना खत्म हो जाएगा ना तो खेला जाएगा। देखिए ना कितना प्यारा है अपना हिंदुस्तान, जहां इस दुख की घड़ी में भी लोग एकजुट हैं और बता रहे हैं कि देख लो महामारी, हम एक हैं, हमें आता है तुमसे लड़ना, यूं हमसे ऐंठ ना दिखाओ, कुछ दिनों की तो बात है, तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो आइए जनाब, इस संकट की घड़ी में हम आप सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम सब एक हैं और इस जंग को जरूर जीतेंगे। आइए मजबूर कर दें उन पंछियों को ये बोलने पर, जो आसमान में उड़ ये सोचती हैं कि जमीन पर रहने वाला ये इंसान उड़ नहीं सकता। आओ बता दे उन्हें कि देख, फिर से हमने ये जंग जीत ली है और हम भी तेरी तरह ही यूं खुले आसमान में उड़ेंगे। जाते जाते अंतिम में कुछ पंक्तियां सुन लीजिए। तूफान के हालात हैं, ना किसी सफर में रहो, पंछियों से है गुजारिश, अपने शजर में रहो। ईद के चांद हो अपने ही घर वालों के लिए, ये उनकी खुशकिस्मती है, उनकी नजर में रहो। माना बंजारों की तरह घूमे हो डगर डगर, वक्त का तकाजा है, अपने ही शहर में रहो। तुमने खाक छानी है हर गली चौबारे की, थोड़े दिन की तो बात है, अपने घर में रहो।